अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज मैं आपके लिए क्या एक और पबजी का ब्रांड न्यू वीडियो। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे पबजी बैन है तो तू कहाँ से खेल रहा है, वो कितने चिपिंग पे। तो मसला ये है कि मेरे पास मैं अपना हर गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ और मेरे एक दिन में कम से कम 30 से 40 गेम प्ले होते हैं जो मैं मतलब 30 से 40 मैचेस में खेलता हूँ। तो मैच स्कूल यहाँ हम गन रूम होते हमें मिल गई थी, AKM बंदे उतरे थे यहाँ पे, कुछ आगे चले गए थे, कुछ पीछे आ गए थे, कुछ ऐसे उतर के आगे आ रहे थे, कुछ सीधा उतर के हमारे मुंह पे आ गए थे। तो उनको तो हमने तीना, और आप मैं बता रहा हूँ मेरा इसमें ना वाकई एग्रेशन था, मतलब मैं पागल हुआ था। जो कि ये गेम प्ले मैं 3-4 गेम प्ले इसके बाद बना रहा हूँ जिनमें मैं जाते ही मरा हूँ, और अब मेरी कंडीशन ये वाली थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत हो गया यार, बहुत गंदा मारा है मैं ना, बता रहा हूँ मैं भी, मेरे को गुस्सा आ गया सब। बस मैच में चल लो, देखो मैं पूरे 99 बंदे ऐसे ही खा जाऊँगा, मेरी ये कंडीशन थी। यहाँ पे बंदे स्पॉट कर लिए थे मैंने, ये उतर के आया था बेचारा बॉट, तो ये चीज़ गोलियाँ खाई हमारी, हमने मार दिया इनको। दो बंदे हमारे स्कूल में जाते ही हो चुके हैं विदाउट वेस्ट एंड हेलमेट। अब हमें वेस्ट हेलमेट मिल गई है, M4 और AK चला रहे थे फिलहाल हम। और बंदा स्पॉट की कोशिश, बंदा मिला, बंदा भाग रहा था लेकिन बंदा नहीं, बॉट ही था। ये बॉट अक्सर ज़्यादा गोलियाँ खा रहे थे हमारे, चूँकि ये चलते चलते रुक जाते हैं। पबजी वालों से एक मेरी एडवाइस ये है कि भाई प्लीज़ इनमें ग्रीस लगाओ जो उनकी रवानगी रहे, ये चलते चलते जो रुकते ना ये फिर बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, अल्लाह करे 9 जुलाई से पहले पहले या 9 जुलाई को बैन ख़त्म हो जाए ताकि मेरी आगे गेम प्ले चल पाए, क्योंकि ऐसे सबके साथ है। तो भाई हम आगे थे एक अपार्टमेंट, गाड़ी खड़ी थी, बंदे थे, और देखो साउंड आया मैप में, देखो साउंड आया मतलब मार का इस तरफ बंदे ही। तो 9 जुलाई तक तो इंशाल्लाह है मेरे पास अपने गेम प्ले, उसके 9 तक तो चल जाएंगे और अच्छे गेम प्ले थे। तो लाइक कर दो, और आज का लाइक एम सब्सक्राइब एम है, एक सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को, अपने घर वालों से करवाओ, दोस्तों से करवाओ, पर प्लीज़ एक सब्सक्राइबर आई नीड, ओनली वन, थैंक यू। कोई भी सिर्फ एक सब्सक्राइब करवा दो, सिर्फ एक, किसी के मोबाइल पकड़ के, बाकी मोबाइल से पकड़ के, सिर्फ एक सब्सक्राइबर आई नीड। तो भाई बंदा सामने वाले घर में था, वो बाहर नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़ी सी अक्ल गलती से यूज़ कर ली, वैसे मैं करता नहीं हूँ, वरना मैं वहीं रुक के अंदर जाता फिर मर जाता। मैं पाकिस्तानी था ये, और गलती इस बंदे की ये थी कि ये बेचारा उसको हमने धोखा दिया, सीरियसली कहूँगा तो धोखा ही है ये। क्योंकि देखो मैं जस्ट सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर पहले बंदा स्पॉट कराऊँ, बंदा नहीं मिला, फिर हमने किया बॉट फायर, द बेस्ट टेक्निक एवर। और वो बेचारा भी ऐसे तरसा हुआ है किल्स का, या पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा था, देखो कैसे आ गया। हल्की सी बॉडी दिख रही थी यहाँ पे, उसको भून दिया हमने, और मैं बहुत खुश मैं इतना खुश, मैं पागल, क्योंकि एक को तुमने चलो ऐसी बेवकूफ़ बना के मारा, पर बहुत अच्छा खेल रहा था हमारे भाई, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार हम भी ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि हम भी बहुत समझ के आगे बढ़ जाते हैं, वो होता असल बंदा हमें ऐसे ही पेल दिया। समझा रहे थे ऊपर तो गाड़ी की आवाज़ आती है, बंदा उतरता है, और उसको मैंने तकरीबन 1 या 2 HP छोड़ा था, और इस बात का मुझे यकीन था। आमतौर पे मैं नहीं जाता क्योंकि भाई पता नहीं बंदा कैसा हो, लेकिन अब जाना पड़ता, क्योंकि अब वजह ही ऐसी है, बंदा पता है 1 HP आधी गोली टच हो गई ऐसी मर जाएगा, इसको तो ऐसी बस एक आधी गोली हुई टच किया। तुर्कीश बंदा था, AKM और Mini-14 चला रहा था। तो यहीं स्कूल में रहते रहते हमारे अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र 5 किल्स हो चुके हैं हमारे। अब हम जा रहे थे हिल पे, गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी को देखते हुए मैं यहाँ आया, गाड़ी थोड़ी सी आगे आगे रुकी ताकि मुझे थोड़ा कवर मिल सके और फिर मैं बंदे बंदे पील सकूँ। इस बंदे का लक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये बंदा पहले पता नहीं वहाँ क्या, ये पहले इसने सोचा मैं भाग जाऊँ, लेकिन फिर ये वापस आता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया बेचारा वापसी क्यों आया, 9 का पता क्लोज रेंज की गन है, ये दूर का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका, यही होता है। इस बंदे को भी हमने आ रहा, और अच्छी बात ये कि यहाँ पे 2 क्रेट्स पड़े हुए थे, तो मेरी यहाँ पे फुल लूट, टाइट किस्म की बेहतरीन तरीके से लूट हो गई मेरी यहाँ पे, मुझे कुछ और चाहिए नहीं था। आप सब लोग दुआ करो आप पबजी अनबैन हो जाए, गेम है मेरे पास 9 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद का नहीं पता मुझे, फिर देखते हैं जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। स्टार एनोनिमस माय साथ। अब हम देखो यहाँ से मैं सिंपली एज इट इज़ आगे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता बंदा कहाँ है, शॉट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता बंदा का, पर मार नहीं आ रहा। गलती हुई मेरी गाड़ी पे आके गोली लगी है सर, ये तो गलत है भाई, ये तो गुनाह है। या तो आप बंदे को प्रॉपर मारो और पूरा मारो, अगर आपकी लिमिट में नहीं है तो आप उसको तंग ही ना करो,
आप तंग भी कर रहे हो और फिर ये भी उम्मीद रख रहे हो कि नहीं मैं बच जाऊंगा। देखो ऐसा तो नहीं होता, ऐसे कौन बोलता था ऐसा तो नहीं होता। मैंने सुना ये, पता नहीं कौन बोलता था ऐसे तो नहीं होता। बंदा सामने था और वाकई बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था, ये मॉली वॉली फेंक रहा था, नेट वेट कर रहा था, और एक मॉली तो बिल्कुल मेरे मुंह पे आके देखा मॉली करेगा। एक नेट का मैंने ट्राई किया पर नेट जा ही नहीं रहा था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेट का जो मार्क होता है ना, जहाँ पे नेट लगना होता है रेड कलर का। देखो मॉली कितनी परफेक्ट की है, इसमें थोड़ी सी और आगे होती मैं मर जाता। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मारा अपनी अकल को हाथ, और फिर मैंने थोड़ी सी रोटेट करके, अब मैंने सोचा कि थोड़ा डैमेज दे के आगे बढ़ते हैं जब भी हम आगे जा पाएंगे, और मुझे मौका मिल गया। हल्का सा उसका गंदा सा हेड दिख रहा था, हल्का सा, और एक जैसी हेड पड़ा ना तो हम लोग सब आगे जाना चाहिए। एम उस पर रखेंगे एज इट इज़ स्टार एनोनिमस करता है, और फेल देंगे जैसे कुछ सिखाएगा। और ये आया और ये किले भी गया सर जी, इसी बात पे लाइक कर दो। देखो और अभी भी बहुत अच्छे अच्छे किल दूंगे, लाइक कर दो। सब्सक्राइबर एम याद रखना, मुझे सिर्फ एक सब्सक्राइबर चाहिए प्लीज़, आई वॉन्ट ओनली वन सब्सक्राइबर। अब मैं आ रहा था, एक बंदा कैंप कर रहा होता है या पता नहीं क्या सीन होता है इसका, ये बंदा ऐसे ही यहाँ पे आ रहा होता है और ये फुल रश के मूड में होता है, मतलब इसकी गोली भी लगती बेचारे की, पता नहीं ये पर ये बार तो नहीं था यार। तो मैंने SLR और अब उठा ली है M4, और अब यहाँ से मैं देख रहा होता हूँ कि फ्लेयर का चलिए और फिर मुझे आ जाते स्प्रे। बंदा कर रहा होता है प्रो लेवल की कैंपिंग, अच्छा कर लो आप, हम भी देखते हैं। रेड जोन आ चुका है और रेड जोन से मैं इतना डर रहा हूँ कि मैं समझो मुझे बंदे से मरना कबूल है लेकिन रेड जोन से नहीं मर रहा। तो अब मैं इतनी जल्दी जल्दी हाथ पर मार के उस बंदे को कुछ भी करके डाउन करूँगा ना, कि देख के आप लोग सॉरी। नींद आ रही है भाई, क्या करें, कुछ और तो करने को है ही नहीं, पबजी और बैन कर दिया। कॉल ऑफ ड्यूटी भी ट्राई किया, वो खेलने का दिल नहीं जा रहा, इतना बेकार गेम है फ्री फायर जैसा कार्टून शक्ल वाला। तो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉर जोन होता तो बात और थी, लेकिन वॉर जोन है भी 100 GB का भाई साहब, वॉर जोन कौन करेगा। नेट किया, कुक करके फेंका कंप्लीट, जाके उसके बिल्कुल मुंह पे फटा, और ये फिर अच्छा नेट फटने के बाद भागने की क्या ज़रूरत है आप, या भाग रहे हो तो वापस कवर में आ जाओ, आप फुल क्यों भाग रहे हो। और इस बंदे को पता नहीं क्या हो गया था, इसको रेड जोन से डर लगा था, अल्लाह बेहतर जानता है। बग्गी जा रही थी, बग्गी को हल्का सा डैमेज है, रुका लेकिन जैसे गोलियां चली ना ये फिर भाग गया। लेकिन देखो गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम, ठीक है अब देखो ये कैसे मरेगा, इतनी जिल्लत वाली मौत मरेगा ये। क्या प्लीज़ एक सब्सक्राइबर करवा देना, मैं बता रहा हूँ प्लीज़। बेचारा रुका, आए हाय एक हेड, आए हाय बॉडी, आए हाय 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 10 किल सर जी, 10 किल। इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, लेट के डैमेज देता तो ये मर ही जाता, लेकिन अब मैं आगे जा रहा था, उसका स्प्रे आ रहा था सॉरी इस बंदे ने भी अक्ल ये चलाई कि ये गाड़ी लेके भाग गया, भाग गया, मर गया। मैं आगे जा रहा था, मुझे बंदा स्पॉट हो, स्लो मोशन में वीडियो देखना कि बंदा रेंगता हुआ आगे आगे जा रहा है, और उस बंदे ने भाई मेरे पे रखा हुआ, वो गाड़ी को फोड़ा था और मैंने उसको फोड़ दिया, बजाओ ताली। अब मैं जोन के बिल्कुल एज पे आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे दो बंदे तंग कर रहे थे, और ये बंदा बेचारा टीपी ले रहा है दूसरे बंदे को मारने के लिए। मैं चाहता तो उसको थोड़ा वेट करवाता, पर क्यों, आई वॉन्ट किल सर जी। अब जोन आगे जा चुका है तो जोन में जाना, मैं जब जोन में जा रहा था पहले मुझे बंदा स्पॉट हुआ, पीछे बंदा मुझे दिख गया था गिली सूट में, जब मैं उसको मार रहा था तो पीछे से मुझे एक और बंदा मार रहा है ऐसे। अब ऐसे कैसे, अब पीछे वाला बंदा भी एक्टिव हो गया है, वो भी हम पे आ चुका है। गलती ये हुई कि मुझे दरख्त की सीध में जाना चाहिए था, लेकिन मैं ठीक है थोड़ा सा साइड पे गया और उसमें मर गया भाई, ये कोई बात है करने की, बहरहाल कोई मसला नहीं है। गेम प्ले अच्छा हुआ, मुझे खुशी इस बात की कि किल्स अच्छे निकाले मैंने, 12 किल्स 100 में से मारा, और इस बेचारे को बड़ी जिल्लत वाली मौत दी। देखो यार आए 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 पता ही नहीं चला कब गया सर ये। ठीक है भाई मिलेंगे अब आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ करते रहना पबजी खुल जाए, पबजी खुल जाए। मैंने पेपरों के लिए इतनी दुआ नहीं मांगी, वरना आज पता नहीं क्या होता, पबजी के लिए इतनी मांगे जा रहा हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बस मिलते नेक्स्ट वीडियो में लाइव। सब्सक्राइबर ही याद रखना, एक सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, किसी से भी करवा के दो मेरे को एक सब्सक्राइबर चाहिए। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।